अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एमएस वर्ड के बारे में थोड़ा सा। तो इसमें ये क्लोज़ का बटन होता है, ये रिस्टोर डाउन होता है जिससे हम इसको छोटा भी कर सकते हैं और इसी पे जा कर फिर दोबारा बड़ा भी कर सकते हैं। ये मिनिमाइज़ होता है जिसको हम प्रेस करें तो ये इधर आ जाता है, फिर हमने जो भी काम करना हो करके तो इसी को दोबारा डबल क्लिक करें तो ये दोबारा यहाँ पर आ जाता है। अगर कोई काम किया हुआ हो तो वो भी वहीं पर रहता है। उसके बाद ये हमारा होम पे हमारे पेस्ट का ऑप्शन होता है जिससे हम कोई भी चीज़ कहीं से भी उठा कर कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं। ये बोल्ड का बटन होता है जिससे सारे जो हमने टेक्स्ट लिखा होता है वो मोटा कर सकते हैं हम। इटैलिक्स से जो हमने टेक्स्ट लिखा होता है वो चढ़ा हो जाता है। अंडरलाइन से जो हमने टेक्स्ट लिखा होता है वो अंडरलाइन हो जाता है। फिर इससे हमारे वर्ड का साइज़ आगे पीछे करना हो तो कर सकते हैं। इससे हमारा वर्ड बड़ा हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है, इससे हमारे वर्ड पे कलर हो सकता है, इससे वर्ड के नीचे जो अंडरलाइन किया होता है उस पर कलर हो जाता है। फिर ये हमारे वो होते हैं जिससे हम अगर हम ये प्रेस करें तो ये सेंटर पे आ जाता है सारा टेक्स्ट, अगर ये करें तो राइट पे आ जाता है, ये करें तो लेफ्ट पे आ जाता है, और अगर हम ये करें तो ये जस्टिफाई हो जाता है। फिर ये हमारे सारे वो होते हैं डिज़ाइन होते हैं जैसे भी हमने स्टाइल होते हैं, जैसे हमने लिखना हो वैसे लिख सकते हैं, और ये हम स्टाइल को यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ यही स्टाइल नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा सारे स्टाइल होते हैं इसमें अगर हम इसको करें। अब इसमें यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन होता है, इंसर्ट पे अगर हम जाएँ तो ये कवर पेज है, इस पे ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इसको हम और नीचे करें तो और भी होते हैं इस पे, तो अगर हम इसमें कोई भी प्रेस करें तो वो हमारे पेज पे आ जाता है। फिर ये ब्लैंक पेज अगर हमें और चाहिए हो, फिर ये पेज ब्रेक, ये बीच में से हमारा हाफ ऑफ हो जाता है। फिर ये हमारे टेबल्स होते हैं, ये अगर हमने कोई अपनी पिक्चर लगानी हो, ये अगर हमने कोई कोई भी चीज़ क्लिप आर्ट लगाना हो, ये हमारी शेप्स होती हैं, ये हमारी शेप्स हैं सारी। फिर ये हमारे स्मार्ट आर्ट, ये हम यहाँ से हम ये चार्ट्स बना सकते हैं, ये सारे चार्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने जो काम किया उसके हम यहाँ से स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, हाइपरलिंक्स बना सकते हैं, बुकमार्क लगा सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, हेडर फुटर और पेज नंबर लगा सकते हैं, फिर टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं, और वर्ड के आर्ट्स होते हैं। हमने जो भी जैसा भी हमने लिखना हो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, फिर डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, इक्वेशन जो वो कर सकते हैं, सिंबल्स, इसमें इक्वेशंस ये होती हैं, और अगर सिंबल्स करने हो तो ये होते हैं इसके। तो उसके बाद हमारी ऑप्शन होती है पेज लेआउट की, इसमें ये थीम्स होती हैं, कलर्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, मार्जिन होती हैं, ओरिएंटेशन होती हैं, साइज होता है, फिर कॉलम्स होते हैं, फिर ब्रेक्स वही जो आपको मैंने होम पे बताया था वो जो पेज को आधा कर देता है, उसके बाद लाइन का नंबर होता है, हाइफेंटेशन होते हैं, वाटर मार्क्स हम लगा सकते हैं, कलर कर सकते हैं पूरे पेज पे, पेज के बॉर्डर्स, मार्जिन्स जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही बॉर्डर्स भी होते हैं। फिर उसके बाद ये सिलेक्शन पेन होता है, यहाँ से हम अलाइन कर सकते हैं वर्ड को। उसके बाद रेफरेंसेस आती हैं, रेफरेंसेस पे टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, ऐड टेक्स्ट कहीं पर अगर हमने टेक्स्ट ऐड करना हो, अपडेट टेबल, टेबल को हम अपडेट कर सकते हैं, फिर इंसर्ट फुट नोट, फिर इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट, फिर इंसर्ट सिटेशन, फिर मैनेज सोर्स स्टाइल, फिर इंसर्ट कैप्शंस, कैप्शंस लगा सकते हैं,
इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, क्रॉस रेफरेंसेस, इंसर्ट इंडेक्स, मार्क एंट्री, मार्क साइटेशंस, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। फिर हमारे पास आती है मेलिंग, इसमें हम मेल्स कर सकते हैं किसी को भी। फिर रिव्यू पे हमारे पास ट्रैक चेंजेस आते हैं, न्यू कमेंट्स आते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, ट्रांसलेशन होती है, वर्ल्ड के काउंट्स होते हैं, फिर सजारस होता है, रिसर्च होती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर होती है, फिर आगे रिजेक्ट करना होगा कुछ तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेप्ट करना हो तो वो भी, प्रीवियस भी हम चीज़ें देख सकते हैं, नेक्स्ट अगली भी कर सकते हैं, फिर कंपेयर भी कर सकते हैं, फिर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा व्यू आता है, उस पर हम ये पेज को, जैसे मैंने आपको बताया था, होम पे और पेज लेआउट पे हम पेज को आधा कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, फिर स्विच विंडोज़ को स्विच कर सकते हैं, मैक्रोज होते हैं, विंडोज़ हमारी न्यू आ जाती हैं, फिर वन पेज, टू पेज, पेज विद, इसमें हम पेजेस ज़्यादा ले सकते हैं, और ये फिर यहाँ से हम जूम कर सकते हैं। ये हमारा रूलर होता है, ये ग्रिड लाइंस होती हैं, ये नेविगेशन पेन होता है, ड्राफ्ट होता है, आउटलाइंस होती हैं, वेब लेआउट होते हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग और प्रिंट लेआउट, यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी फाइल होती है, इसमें हमने सेव की हुई चीज़ें, इसमें और सारा कुछ होता है, यहाँ से हम जाकर प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव करके सेंड भी कर सकते हैं, हेल्प का ऑप्शन भी होता है। फिर आज के लिए बस इतना ही, तो अगली वीडियो में आप लोगों को चीज़ें बनाना सिखाऊंगा, उसमें कलर फिल करना सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।